नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अभी तक नहीं निकला शहर की नदियों की सफाई का मुहूर्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग पर सवाल। नाना रिफाइनरी प्रोजेक्ट विदर्भ में लाया जाए, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल ने की मांग। और YouTube वीडियो को देखकर 17 वर्षीय बच्ची ने किया गर्भपात, MIDC पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। और अब खबरें विस्तार से। आमतौर पर मार्च महीना समाप्त होने के साथ ही नदियों की सफाई के लिए हलचल तेज हो जाती है, लेकिन मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नदी सफाई की अब तक याद ही नहीं आई है, जबकि घन कचरा व्यवस्थापन विभाग की तरफ से नालों की सफाई का काम महीने भर पहले से ही शुरू कर दिया गया है। फरवरी मार्च में नदियों की सफाई की समीक्षा के लिए बैठकों का दौर शुरू हो जाया करता था, लेकिन इस बार 4 मार्च को सत्ता पक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 मार्च से प्रशासक राज शुरू है, अधिकारियों के भरोसे पूरा कामकाज चल रहा है। ऐसे में वे नियमित कामकाज को ही भूलते जा रहे हैं। वर्तमान में न तो पार्षद रहे न पदाधिकारी, ऐसे में अधिकारी बेलगाम दिख रहे हैं। मानसून के दौरान बाढ़ व जल जमाव की समस्या से बचने के लिए वर्ष 2013 से नदी सफाई की कवायद शुरू की गई है। नदियों की सफाई में 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। रविवार को विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के बैनर तले पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में विदर्भ के अधिकांश औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों ने विदर्भ में ये प्रोजेक्ट लाने पर जोर दिया। वहीं वेद के अध्यक्ष शिव कुमार राव और उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी ने कहा कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट विदर्भ में आने पर इसके उत्पादों की परिवहन लागत कम हो जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा हाल ही में नानार के बजाय अब रत्नागिरी जिले के ही राजपुर के बारसूसाले गांव में रिफाइनरी लगाने बाबत दिए गए बयान से विदर्भ के उद्योग व्यापार जगत में खलबली मच गई है। स्थानीय उद्योजकों और व्यापारियों का कहना है कि रिफाइनरी और पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स रत्नागिरी के बजाय हर हाल में विदर्भ में ही लगनी चाहिए, जिसके चलते रविवार को हुई पत्रकार परिषद में बात करते हुए वेद के अध्यक्ष शिव कुमार राव और उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी ने कहा कि रिफाइनरी से विदर्भ में सीधे तौर पर 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सर्वे होना जरूरी है। सरकार को भी इस बाबत ठोस कदम उठाने चाहिए। समृद्धि महामार्ग के समानांतर कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। यह रिफाइनरी लगती है तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल सस्ता मिलेगा। बघा, 2017 पासून जेव्हापासून नाणार मध्ये तिथे कोकणवासियांनी या रिफायनरीचा प्रोजेक्टचा विरोध केला, तेव्हापासून सातत्याने विधानसभेत असेल, विधानसभेच्या बाहेर असेल, तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असेल, तेव्हा उद्धव ठाकरेंकडे असेल, सातत्याने रिफायनरीचा प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करा ह्या मागणीसोबत मी आजपर्यंत समोर जात आहे। आज बारसूला, राजापूरला देखील ह्या रिफायनरीचा विरोध कोकणवासी करत आहेत। म्हणजे मुळात कोकणात ही रिफायनरी नको ह्या मूळ भावनेतून जेव्हा विचार करायला सरकारला, राज्य सरकार असो केंद्र सरकारला, जेव्हा पर्याय द्यायचा असेल तर नक्कीच हा रिफायनरीचा प्रकल्प यशस्वीरित्या विदर्भात चालू शकतो ह्या मागणीवर मी आज देखील ठाम आहे। आपल्या देशामध्ये दशकांपासून कित्येक अशा ठिकाणं आहे जिथे यशस्वीरित्या इनलाईन रिफायनरी चालू आहे, मग ते गुवाहाटी असेल, बिना असेल, भोपाळ असेल, या सर्व ठिकाणी ज्या पद्धतीने रिफायनरीचा फायदा तिथच्या स्थानिक लोकांना झाला आहे आणि सर्वदूर विकास हा त्या भागांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार त्या भागामध्ये पाहायला मिळतो, त्याच पद्धतीने मागास असलेल्या आमच्या विदर्भामध्ये विकास होण्याच्या संदर्भामध्ये जर परिणामकारक पावलं सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना टाकायचे असतील किंवा सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी यांना टाकायचे असेल तर मागास विदर्भामध्ये नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प स्थलांतरित करा ही विदर्भवासियांची मागणी मी पुनश्च एकदा त्यांच्यासमोर मांडतो। त्याने बघा, शेवटी वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी का होते? इथं विकास होत नाही, कुठंतरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ह्या संदर्भामध्ये कुठंतरी मागे पडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। अशा इतर याच्यामध्ये विदर्भाचा विकास व्हावा आणि त्यासाठी फार मोठं परिणामकारक एक दृश्य रिफायनरी जर इथे आली तर नक्कीच होऊ शकतं। इथे जनसामान्यांचं जे भलं होईल
ते नक्कीच अतिशय मोठ्या प्रमाणात होऊन आयला आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यासाठी वेगळ्या विदर्भाची मागणी आम्ही मागे ठेवायला देखील तयार आहोत. सरकारने रिफायनरीचा प्रकल्प हा विदर्भात दिलाच पाहिजे ही आमची मागणी. नागपुर शहर में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 साल की किशोरी ने YouTube पर वीडियो देखकर खुद का गर्भपात किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 साल की लड़की गर्भवती थी, जिसकी जानकारी उसे 5 महीने बाद हुई, जिसके बाद उसने YouTube पर एक वीडियो देखकर खुद का गर्भपात किया. हालांकि गर्भपात से लड़की की हालत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और तब यह संपूर्ण मामला सामने आया. MIDC पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज इस मामले के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की. ये मामला नागपुर तालुका के एक गांव का है. मिली जानकारी के अनुसार 17 साल की लड़की का 27 साल के युवक से बीते 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था. एक साल पहले युवक काम के सिलसिले में नागपुर आया था. MIDC इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर वो रहने लगा. नतीजनक उनका मिलना कम हो गया, लेकिन अवसर मिलते ही वे मिलते थे. कभी युवक नरखेड़ जाता था तो कभी किशोरी नागपुर आती थी. इसी बीच वो कुछ दिन पहले नागपुर आई थी, जिस दौरान वो वह 2-3 दिन रही. उसके बाद वह गर्भवती हो गई. गर्भवती होने के कारण लड़की का जी मचलना और उल्टी होना शुरू हुआ. किशोरी ने ये सारी बातें युवक को बताई. क्योंकि वो अस्पताल में काम करता था, इसलिए उसने उसे कुछ दवा दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ. हालांकि 4-5 महीने की गर्भवती होने पर उसे डर लगने लगा, जिसके बाद युवती ने इस बारे में YouTube पर सर्च किया. तब उसे एक काढ़े की रेसिपी मिली. उसने वो काढ़ा बनाया और पिया तो उसका गर्भपात तो हुआ, लेकिन वो बेहोश हो गई. लड़की के बेहोश होते ही उसके माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद ये संपूर्ण मामला सामने आया. मामले की जानकारी नागपुर ग्रामीण पुलिस को दी गई. पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. हालांकि ग्रामीण पुलिस ने अब मामले को MIDC पुलिस को सौंप दिया है. वही पुलिस उसके प्रेमी की तलाश कर रही है. MIDC पुलिस अंतर्गत गुना नंबर 267/22 कलम 376 दाखिल हुआ है. यह गुना पहले नरखेड़ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था, फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है. जो 17 साल की युवती है, उसका सुनील माने नाम के एक आरोपी के साथ प्रेम संबंध था. प्रेम संबंध होने की वजह से वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उसने YouTube पे देखकर काढ़ा का सेवन करके एबॉर्शन करने का प्रयास किया. प्रकृति खराब होने के बाद वह हॉस्पिटल में उपचार के लिए आई. हॉस्पिटल में जो उपचार के लिए आने के बाद रिपोर्ट पुलिस को मिली, तो पुलिस ने उसका बयान लेने के बाद 376 का गुना दाखिल किया. अभी तक जो जानकारी मिली है, वो जो काढ़ी मीढ़ी काढ़ा रहता है उसका सेवन करने का उसने प्रयास किया था, और उसके बाद उसने और क्या चीज़ें की थी उसकी जानकारी भी मिलना बाकी है. लड़के का भी शोध चालू है, जल्दी लड़का अटक हो. पश्चिम नागपुर के कुख्यात गुंडे अश्विन तुर्केल ने कार के बोनट पर बैठकर शराब पीते हुए जमकर हंगामा मचाने का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कार में बैठे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्विन को भी गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने दी है. दो तीन दिन पहले जो व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हुआ था, वो घटना 21 मार्च की है. उससे रिलेटेड एक बाजार नगर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है, 122/22 नंबर. इसमें 4 से 5 लड़के, उसमें से एक कार की बोनेट पे बैठा था और कोई तो भी ड्रिंक पी रहा था, मे बी अल्कोहल पी रहा था और रास्ते में घूम रहा था और आपत्तिजनक बातें कर रहा था. उससे रिलेटेड कलम 279/294/336/34 IPC और कलम 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल है. 4 आरोपी पहले अटक हो चुके थे, 5वें आरोपी को आज अश्विन तुर्केल को आज अटक किया है और आगे की कार्रवाई चालू है. अटक आरोपी में से 3 आरोपी पे पहले के गुना दाखिल हैं. उनमें से जो 2 आरोपी हैं उन पे पहले का 324 का एक ही गुना दाखिल है. अश्विन तुर्केल पर 365/324/302 इस प्रकार से गुना दाखिल हैं, 143, और इससे पहले उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है. अभी पहले इमीडिएटली उसको इस गुने में अटक किया जा रहा है और अटक करने के बाद जो उस पर पुरानी प्रतिबंधक कार्रवाई की गई थी उसको दोबारा किया जाएगा. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा सेना की ओर से नागपुर के शिवाजी चौक में थाली बजाओ आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। देश में बढ़ रही महंगाई के चलते अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला युवा सेना प्रमुख विक्रम राठौड़ ने कहा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दरों में वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं। आगे बात करते हुए वे बोले कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन व्यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं वे बोले कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह भी कर रही है। संपूर्ण देशामध्ये ज्या प्रकारे इंधन दर वाढून राहिलेली आहे, डिझेलचे भाव वाढून राहिलेले आहे, पेट्रोलचे भाव वाढून राहिले आहे, सिलेंडर गगनाला छुऊन राहिलेला आहे, अन्नधान्य, तुरीची डाळ, गहू, तांदूळ याचे रेट वाढून राहिले आहे, भाजीपाला सर्वसामान्य एकदम हवालदिल झालेला आहे। या अशा परिस्थितीमध्ये कसं जीवन जगायचं याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। सर्वसामान्य माणूस पहिले 100-150 रुपयाच्या पेट्रोलमध्ये तो संपूर्ण दिवस आपला काढून घेत होता, आज तो 200-250 रुपयाचं पेट्रोल भरूनसुद्धा तो घरी हातात गाडी धक्का मारत पोहोचून राहिलेला आहे। केंद्र सरकार आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राला, संपूर्ण देशाला कुठेतरी मिसगाईड करत आहे। यासाठी माननीय युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे, युवा सेना सचिव माननीय वरुण सरदेसाई साहेब यांच्या आदेशानुसार आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोल दरवाढ, इंधन दरवाढ, सिलेंडर दरवाढ, संपूर्ण वाढलेल्या महागाईच्या विरोधात आम्ही सातत्याने आंदोलन करून राहिलेलो आहे। केंद्र सरकार 2014 याच मुद्द्याला घेऊन ते सरकारमध्ये आले। सरकारमध्ये आल्यानंतर सरकारमध्ये यायच्या पहिले यांचे BJP वरिष्ठ नेते स्मृती इराणी, मोठे मोठे जेवढे काही लीडर्स होते ते रस्त्यावरती सिलेंडर घेऊन रस्त्यावरती स्वयंपाक करत आंदोलन केलं होतं। आता एवढे सिलेंडर, त्यावेळेस सिलेंडरचे भाव 350-450 रुपये होते, आज सिलेंडरचे भाव 1100 आणि ब्लॅकमध्ये तो 1400, आणि जे कमर्शियल सिलेंडर आहेत ते 2500 रुपये हॉटेलमध्ये विकला चाललेला आहे। हे कुठली महागाई आहे? एक सर्वसाधारण मनुष्य पहिले कुठला नाश्ता करायचा आहे, पोटाची पोट भूक भागवायची आहे, तर तो 20 रुपयात नाश्ता करून घेत होता, आज त्याचंच बिल 100 रुपये द्यावं लागून राहिलेलं आहे। एवढी महागाई वाढलेली आहे, तिथे जनता हवालदिल झालेला आहे, आणि आता यांचे हे लीडर लोक कुठे झोपलेले आहे? मी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना मी विनंती करतो की ताई, तुम्ही ज्यावेळेस 2014 पहिले जसे आंदोलन केले तसेच आंदोलनासाठी तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत सहभागी व्हा, आणि हे दरवाढ, इंधन दरवाढ, पेट्रोल दरवाढ कमी करा, याच्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत। याच्यासाठी आम्ही थाली बजाव आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय वरुण सरदेसाई साहेब यांच्या आदेशानुसार आम्ही करत आहोत। नाव सांगा तुमचं। मी विक्रम राठोड, युवा सेना जिल्हा प्रमुख, नागपूर।
इस दरमियान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्शाया। शहर के सीताबाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिशप कॉटन स्कूल में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में बात करते हुए स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने बताया कि इस सारे कृत्यों की वजह से स्कूल प्रशासन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बिशप कॉटन स्कूल जब खोली गई, तब स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने पाया कि स्कूल के सारे गमले तोड़ दिए गए हैं। वही एक क्लास में शराब की बोतलें उन्हें देखने को मिली। साथ ही हाल ही में बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से कूलर भी लगवाया गया था, जिसकी अर्थिंग भी निकली हुई थी, जिसके चलते इस बारे में बर्डी पुलिस को इत्तला किया गया। वही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। आज सुबह जब हमने स्कूल खोला तो हमारे ध्यान में आया कि सारे गमले टूटे हुए हैं और सब बिखरे पड़े हुए हैं और मिट्टी इधर उधर पड़ी हुई है। जब क्लासरूम हमने खोला तो हमको दिखा कि झाड़ की डंगाले तोड़कर क्लासरूम में खिड़की से अंदर डाली गई है, क्योंकि क्लासरूम्स बंद थे, सबको ताला लगा हुआ था। तीसरा, जब हमने क्लास खोला तो उस क्लासरूम में हमको दारू की बॉटल्स दिखी, वहाँ पर भी खिड़की खोलकर दारू की बॉटल्स डाली गई। और हमने हाल ही में एक नया वाटर कूलर इंस्टॉल किया है बच्चों के लिए, तो उसकी अर्थिंग भी जो लगाई गई है, अर्थिंग का वायर भी पूरा तोड़ दिया गया है और इस प्रकार का नुकसान स्कूल को किया गया है। अब ये कौन कर रहा, किसने किया, ये तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिसने भी किया, क्या उनके प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती और क्या उनके दिमाग में चलता है मैं नहीं जानती, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर स्कूल में घट रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी लोगों के मन में ऐसी गलत भावनाएं आती हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जब हम बच्चों की तरफ कुछ गलत चीज़, बच्चों के लिए कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, तो ऐसा सोच हमने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स जब हम चलाते हैं, ये जो स्कूल है ये कायम बिना अनुदानित स्कूल है, बिशप कॉटन स्कूल है, और बच्चों के पेरेंट्स के जो फीस आती है उसी से स्कूल चलती है। बहुत कम फीस हम लोग चार्ज करते हैं और उसमें से ही बड़ी मुश्किल से हम लोग पेंडेमिक टाइम में सर्वाइव हुए हैं और बड़े मुश्किल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट हमने किया है, सबसे पहले हमने वही किया, हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताया और तुरंत में वहाँ के जो PI है मिस्टर अतुल सबनिस, वो हमारे स्कूल में आए, पूरा उन्होंने पूरी जगह देखी उन्होंने जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो जिन्होंने भी ये किया है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी मदद करेंगे। जी, बड़े खेद के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि स्कूल में हमने 3 बार CCTV इंस्टॉल किया, लेकिन 3 बार उसे तोड़ दिया गया है। और वैसे ही हमने गार्ड्स भी स्कूल में रखे थे, नाइट गार्ड्स को भी मारकर भगाया गया स्कूल से। तो हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में इसका कई बार कंप्लेन किया है और पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए उनसे दरख्वास्त की गई थी। पेट्रोलिंग बढ़ी है, लेकिन जब भी कम हो जाती है तो इस प्रकार की हरकत हो जाती है। बता दें कि जब यह हादसा हुआ तब कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर नहीं था। वही अब तक 3 बार स्कूल के CCTV कैमरे तोड़ दिए गए हैं। हालांकि स्कूल में ऐसी घटनाओं का होना कई सवाल या निशान खड़े करता है। पीने के पानी की मूलभूत जरूरत से वंचित उत्तर नागपुर प्रभाग 2 के नागरिकों की ओर से सोमवार को आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव नेहा निकोसे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 2 में आम नागरिकों को कई दिनों से परेशानी हो रही है, जिसमें पीने के पानी की समस्या, गटर लाइन की समस्या, कचरे की समस्या आदि का सामना करना पड़ रहा है। पीने का पानी लोगों के घरों में 15-15 दिनों से नहीं है, लेकिन OCW को कई बार बताने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव नेहा राकेश निकोसे, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत, इनके मार्गदर्शन में नागपुर महानगर पालिका सिविल ऑफिस पर सोमवार को आंदोलन किया गया। इस दरमियान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे, जिसके चलते उन्होंने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मी सर्वत प्रथम मी माझा परिचय देते, मी नेहा राकेश निकोसे, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव आहे, नगर सेविका आहे। माझ्या प्रभागातली ही जनता आहे, या जनतेची माझ्या प्रभागात पाऊन महिन्यापासून प्रशासनाला मी निवेदन देत आहे, वारंवार सांगत आहे की माझ्या प्रभागात गडरीचं पाणी येत आहे, पिण्यालायकीचंही पाणी नाही आहे। समतानगरमध्ये आता उन्हाळा आलेला आहे, समतानगरमध्ये लोकांना पिण्याकरिता टँकर नाही जात, पाणी नाही जात, आणि यांनी अमृत योजनेअंतर्गत नळ लाईनी दिलेल्या आहे, तर ते कुठे, म्हणजे कोणत्या लाईनीत दिलेल्या आहे, कोणत्या लाईनीत नाही दिलेलं आहे। आणि विश्रामनगर, सुगतनगर, बाबादीपनगर, कल्पनानगर इत्यादी वस्तीमध्ये अतिशय गंद पाणी चालत आहे। म्हणजे आमचे लेकरं 12, माझ्या जनतेचे लेकरं 12 वगैरे लोकांचे पिऊ नाही शकत पाणी, म्हणजे आम्ही पाणी पिऊ आणि आमच्या लेकराबारांची तब्येत खराब करू का? मग अगर त्यांना काही होईल तर हा प्रशासन जिम्मेदारी घेईल का, त्यांच्या स्वास्थ्याची जिम्मेदारी घेईल का?
मी प्रशासनला एकच विचारते की जर नळ लाईनी टाकल्या, कधी टाकल्या, काय टाकल्या, पण त्यांनी जेव्हा नळ लाईनी टाकल्या तर गडरीच्या चेंबरमधून लाईनी दिल्या का? मला हमेशा हे वारंवार सांगतात की तुमची गडर भरलेली आहे, तुम्हाला पाणी नाही. मी म्हटलं गडर गडरीचं पाणी येतं, दूषित पाणी आहे. मग हा दूषित पाणी अधिकारी एकही येऊन नाही बघत आहे. पाऊन महिना झाला, वारंवार हम कर लेंगे, देख लेंगे, बस हेच मला आश्वासन मिळतात. तर मी प्रशासनला एवढंच म्हणणं आहे की आमची आम्हाला व्यवस्थित म्हणजे एकीकडे जरी पटकामध्ये तुम्ही 24/7 पाणी देता ना, आमच्याकडे आम्हाला एक गुंड सुद्धा पाणी मिळू नाही शकत, आणि तेही मिळते तर गंद पाणी मिळते. मग लोकांच्या जर तब्येती खराब होईल तर त्याची जिम्मेदारी प्रशासन घेईल का? तुमचं क्षेत्र जे आहे पालकमंत्र्याच्यामध्ये त्यांचा मतदारसंघ आहे, त्यांना भेटले का या विषयावर? या विषयावर म्हणजे क्षेत्र माझा पालकमंत्रीचा नक्की आहे, पण हे गंद पाणी आहे. वारंवार एक नगरसेविकाच्या नात्याने जेव्हा मी प्रशासनला OCW सांगते तर त्यांचं काम आहे की त्यांनी माझ्या एरियामध्ये व्हिजिट द्या, काय प्रॉब्लेम आहे ते त्यांनी त्वरित दूर करावी. पालकमंत्री साहेब लक्ष पूर्ण आहे, साहेबांचं लक्ष आमच्या क्षेत्रात पूर्ण आहे. समता नगरला इनलिगल दारू आहे, अतिशय म्हणजे दारू विकणं चालू आहे. आम्ही वारंवार माहिती आहे पोलीसवाल्यांना पण कंप्लेंट केली आहे, जरी पोलीस स्टेशनमध्ये कपिलनगरमध्ये पण कंप्लेंट केलेली आहे, पण ते जरीपटक्यामध्ये पण कंप्लेंट केली आहे, पण कोणी येऊन बघत नाही, त्वरित कारवाई कोणी करत नाही. हे आंदोलन आज नेहा निकोसे माजी नगरसेवक प्रभाग 2 यांच्या नेतृत्वामध्ये महानगरपालिकामध्ये पाणीच्या विषय आणि महानगरपालिकामध्ये जे अधिकारी आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये आज हा आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. हा आंदोलन समता नगरमध्ये पाण्याची गैरसोय आणि सर्व समता नगरमध्ये किती दिवसापासून तरी आता 2-2.5 वर्षापासून येतं पाण्याची इतकी गंदी समस्या आहे की तिथं टँकरवाले येतात, पण टँकरवाल्यांच्या कसं आहे की एक ड्राम जो असते ना ड्राम 30 रुपये ड्राम टैंकर के 150 रुपए के ऊपर ड्रम चाहिए तो हम पानी देंगे बोलते नहीं तो पानी नहीं देंगे. आज नंबर लगाते 10 दिन के बाद टैंकर घर पे आता है. हमको पानी की कितनी समस्या है हमको पता है. हम खरीद के 150 रुपए के ऊपर आम इंसान 150 के ऊपर अगर उनको पानी देता तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? सिलेंडर महंगा, हर चीज से महंगाई बढ़ गई है, तो हम लोग करेंगे क्या? आम जनता करेंगे क्या? कौन यहाँ पे 20,000 के ऊपर कमाता है? 7-8-9 हजार वाले है. अगर टैंकर घर वाले को 150 रुपए 8-3 दिन में देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हमको उसका जवाब चाहिए. महानगर पालिका के कोई यहाँ पे आके देखते नहीं हम लोगों को. कचरे की सुविधा नहीं है, जहाँ रहते वहीं पे कचरा फेंकना पड़ता है, उसके बाद आते हैं. पानी हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 2 के आम नागरिकों को पानी से ही वंचित रहना पड़ रहा है. ये सरासर नाइंसाफी है, ऐसा नागरिकों का कहना है. तो अब देखना होगा कि नागरिकों की इन समस्याओं का मनपा हल निकालती है या नहीं. रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज के लिए. परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा बाबा जुमदेव की 101वीं जयंती पर उत्साह के साथ रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई. बाबा जुमदेव की शोभा यात्रा रंभाजी रोड टिमकी के पास से सुबह 9:30 बजे शुरू की गई. विधायक विकास कुंभारे ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा आरम्भ की. शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वर्धमान नगर के परमात्मा एक सेवक मानव मंदिर में पहुंची. मंदिर के सांस्कृतिक भवन में शोभा यात्रा का समापन हुआ. आज 3 अप्रैल आज का दिन ये बाबा की जयंती के बाद जयंती रहती है, तो हर साल हम इस तरह से इसको मनाते हैं और इसी कार्यक्रम के माध्यम से
हम लोग महाप्रसाद का आयोजन करते हैं, हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उसी प्रकार जब 2000 साल में जब 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तब बहुत सारे हमारे वॉलेंटियर्स ने यहाँ से 450 घरों को किट पहुँचाया था, अनाज का किट। तो वो लोगों का भी आज हम लोग कोरोना योद्धा बोल के सत्कार करने वाले हैं आज के कार्यक्रम के। और जो भी लोग दर्शन के लिए आते बाबा के भक्त जो है, क्योंकि ये जो है ये उगम स्थान है, यहीं से इस मार्ग की उगम हुआ है, इनको जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई वो यही प्राप्त हुई है, इसके बाद में बाकी सब हुआ। मेरा नाम रमेश ठुबरीकर, हमारा हमने यहाँ की जो ट्रस्ट है हमारी वाली, वो महान त्यागी बाबा जमदेव जी मानव धर्म उगम स्थान संस्थान इस नाम से है, और उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज महान त्यागी बाबा जमदेव जी यांची 121वी जयंती, आज संपूर्ण महाराष्ट्र नाही पूर्ण देश आज त्यांची जयंती साजरी करत आहे। भारतीय जनता पार्टी बिनकर आघाडीच्या वतीने आज गोलीबार चौकामध्ये माननीय आमदार विकासजी कुंभारे आणि तृप्ती सोनोने पी आय तहसील यांच्या माध्यमातून यांच्या हस्ते आज गोलीबार चौकामध्ये बाबा जमदेवजी यांच्या छायाचित्रावर माला अर्पण करण्यात आली व मिठाई वाटण्यात आलेली आहे। आज बाबा जमदेवजीची 121वी जयंती जे आज संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये जे एक माहोल एक मेला लागलेला आहे त्याच्यातून समजत येते की बाबा जमदेवजीची महिमा ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किती आहे। बाबा जमदेवजीला मानणारे 5 राज्यामध्ये त्यांचे लाखो परिवाराचे लोक अनुयायी आहे। आजच्या घडीला देश विदेशामध्ये सुद्धा बाबा जमदेवजीचे अनुयायी आहे आणि त्याच्याकरता ज्या रेल्वे स्टेशन इतवारी रेल्वे स्टेशनपासून बाबा जमदेवजीची कार्याची सुरुवात झाली होती, आम्ही आमच्या विणकर आघाडीच्या वतीने मानता की बाबा जमदेवजी परमात्मा एक सेवकच्या मंडळच्या वतीने इतवारी रेल्वे स्टेशनला महानता की बाबा जमदेवजीचे नाव मिळाले पाहिजे, त्याच्यासाठी माननीय नितीनजी गडकरी यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि माननीय गडकरी साहेबांनी आश्वासन दिलं आहे की मी रेल्वे मिनिस्टर आणि संबंधित अधिकारी त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना समजूत आणून हे कार्य आपण करून आणू असं आश्वासन माननीय गडकरी साहेबांनी दिलं आहे। मी अध्यक्ष परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूर राजू मदनकर, आज आमच्या महानत्यागी बाबा जमदेवजीची 121वी जयंती बाबाच्या निवासस्थानाजवळून या 2 वर्षाच्या कोरोना काळाच्या नंतर आज मोठ्या उत्साहाने शासनाने मंजुरी दिली आणि त्या मोठ्या उत्साहाने आज आम्ही महानत्यागी बाबा जमदेवजीच्या जयंतीचा 101 कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि आमची भव्य शोभायात्रा या ठिकाणी निघणार आहे। महानत्यागी बाबा जमदेवजीनं जे निष्काम कार्य केले त्याच्या हा प्रतीक म्हणून महानत्यागी बाबा जमदेवजीची जयंती साजरी करू। हे रॅली कुठून कुठे चालली आहे? ही रॅली बाबाच्या निवासस्थानावरून वर्धमान नगर नागपूरपर्यंत परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ मानव मंदिर वर्धमान नगर नागपूरला। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।